नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर लगातार लोगों के निशाने पर हैं। लोगों का मानना है कि करण जौहर ने सुशांत के करियर को खत्म करने की कोशिश की है और उन्हें बॉलीवुड से बाहर करने का भी करण जौहर पर आरोप लग रहा है, जिसके चलते वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जल्द ही सुशांत मामले में पुलिस करण जौहर से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं अब करण जौहर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे जानने के बाद कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर उनसे बैर लेने वालों को धमकी देते हैं और उन्हें बॉलीवुड से बॉयकॉट करवा देते हैं। मामला एक अवार्ड फंक्शन से जुड़ा है। दरअसल सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व CEO शेखर गुप्ता ने अवार्ड फंक्शन को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत में फिल्म अवार्ड्स ऑस्कर की तरह केवल पुरस्कार देने और बयान देने तक ही सीमित नहीं होते, यहाँ ये कई घंटों तक चलने वाली TV शो भी होते हैं, जिनके लिए मेजबान चैनल भुगतान करता है और फिर अपने स्पॉन्सर से पैसा वसूलता है। ये रेटिंग का खेल है। रेटिंग दो तरह से बढ़ाई जाती है, एक तो मंच पर टॉप फिल्मी सितारों को बुलाकर उनसे उस साल के हिट गानों पर डांस करवाकर, और दूसरा दर्शकों के बीच सबसे चहेते कलाकारों को दिखाकर। शेखर गुप्ता ने 2011 के अवार्ड का जिक्र करते हुए बताया कि उस साल फिल्म माय नेम इज खान सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन स्क्रीन अवार्ड में इसे किसी भी श्रेणी में नामित नहीं किया गया। उस वक्त जूरी के अध्यक्ष जाने माने कलाकार अमोल पालेकर थे। इस समारोह में शाहरुख को करार के तहत मंच पर एक प्रस्तुतकर्ता की भूमिका निभानी थी। समारोह के 3 दिन पहले ही मुझे बहिष्कार करने की धमकियां मिलने लगी। करण जौहर मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आखिर जूरी को उनकी फिल्म किसी भी अवार्ड के काबिल कैसे नहीं लगी। मुझे इस तरह के तर्क दिए गए कि अमोल पालेकर को साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म आखिर नापसंद कैसे है, उन्होंने अनुराग कश्यप की मामूली सी फिल्म उड़ान को चुनने की हिम्मत कैसे की। फिर हमने धैर्य रखा और जब व्यूअर्स चॉइस अवार्ड की घोषणा हुई तब हमारी सांस में सांस आई। वो अवार्ड उस फिल्म के पक्ष में था। यानी जब करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा था तो उन्होंने काफी हंगामा किया था। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ने कई स्टार्स से अवार्ड फंक्शन को बॉयकॉट तक करने के लिए कह दिया था। ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो भी करण जौहर की बात नहीं मानता वो उसे धमकियां देने लगते हैं। शायद यही वजह है कि लोग करण जौहर पर भड़क रहे हैं। लोगों का मानना है कि करण ने सुशांत को भी इस तरह की धमकियां दी होंगी। खैर, सच क्या है ये तो करण ही बता सकते हैं, लेकिन इस नए खुलासे से कहीं ना कहीं करण जौहर की पोल जरूर खुल गई है।